नीलामी में बचा है बहुत कम टाइम और सभी 10 टीमों ने घोषित कर दिए हैं अपने अपने रिलीज प्लेयर्स। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं माय क्रिकेट प्रोडक्शन का स्पेशल आईपीएल एपिसोड। और आज इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बताएंगे सभी 10 टीमों के तीन तीन बड़े रिलीज प्लेयर्स की फाइनल लिस्ट। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हैं, शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के साथ। तो केकेआर के जो तीन रिलीज प्लेयर्स है उसमें सबसे बड़ा नाम है दोस्तों लॉकी फर्ग्यूसन का। 10 करोड़ रुपए में पिछले साल केकेआर की टीम ने गुजरात टाइटंस के साथ एक ट्रेड किया था और लॉकी फर्ग्यूसन को ट्रेड कर ये लाए थे। लेकिन पिछला आईपीएल बहुत बुरा गया था लॉकी फर्ग्यूसन का। 10 करोड़ रुपए में दोस्तों इनको पिछले साल रिटेन किया था, लेकिन अब इनको इतने पैसे नहीं मिलने वाले हैं। 10 करोड़ रुपए के लॉकी फर्ग्यूसन केकेआर ने पहले रिटेंशन के रूप में आगे किए हैं। दूसरा नाम है टिम साउथी का, 1.5 करोड़ रुपए में खेल रहे थे दोस्तों केकेआर की टीम में, लेकिन अब ये 1.5 करोड़ रुपए केकेआर के बैलेंस पर्स में ऐड हो जाएंगे क्योंकि टिम साउथी को बाहर कर केकेआर की टीम कुछ नए विदेशी प्लेयर्स पर नीलामी में पैसा लगाएगी। आपको बता दूं, नियम कहता है आईपीएल का कि हर एक टीम के पास 8 से ज्यादा विदेशी प्लेयर्स नहीं होना चाहिए, एंड दैट्स व्हाई केकेआर ने ये जो तीनों बड़े रिलीज किए हैं ना नाम, उनमें तीनों विदेशी हैं। तीसरा नाम है दोस्तों डेविड वीजे का। डेविड वीजे ने पिछले साल बहुत हैरान किया था, नामीबिया से ही क्रिकेट खेलते हैं डेविड वीजे, इससे पहले साउथ अफ्रीका से क्रिकेट खेलते थे। 1 करोड़ रुपए में केकेआर ने इनको लिया था, लेकिन रिलीज होने वाले। तो केकेआर के ये तीन बड़े रिलीज प्लेयर्स थे। अब इनमें से किसको रिलीज होना चाहिए किसको नहीं, बताना जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में। और अगर केकेआर के फैन हो, लाइक नहीं किया है तो कर देना, लाइक का बटन भी नहीं चाहिए। चलिए दोस्तों, केकेआर के बाद आगे बढ़ते हैं, मुंबई इंडियंस की टीम की बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले ये जो लिस्ट है ना, ये हमारे चैनल पर आई है और आईपीएल का कॉन्टेंट तो सबसे पहले आपको माय क्रिकेट प्रोडक्शन पर ही मिलता है, ये आपको हर साल पता होगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कर दो भाई और बेल आइकन दबा दो। मुंबई की बात करें, मुंबई का पहला रिलीज प्लेयर है दोस्तों जोफ्रा आर्चर। 8 करोड़ रुपए इनकी वैल्यू थी। मुंबई इंडियंस की टीम पिछले 2 सालों से जोफ्रा आर्चर को रिटेन कर रही है। हालांकि पिछले 2 सालों में सिर्फ पिछले साल 2023 में कुछ ही मैच खेल पाए थे आर्चर, चोटिल है लगातार, पिछले 2 सालों से चोटिल है जोफ्रा आर्चर। और रिसेंटली भी हमने वर्ल्ड कप देख लिया, वर्ल्ड कप में भी ये अवेलेबिलिटी शो नहीं कर पाए, तो मुंबई के ऊपर सवाल ही उठ रहा था कि अब क्या ये अगला आईपीएल भी खेल पाएंगे या नहीं, और खेलेंगे तो कितने मैच खेलेंगे। दैट्स व्हाई मुंबई इनको रिलीज कर रही है। 8 करोड़ रुपए बहुत भारी अमाउंट होती है, मुंबई को नीलामी में काम आएगा। दूसरा नाम है मुंबई का जेसन वैरनड्रॉप। वैरनड्रॉप 75 लाख रुपए में थे, विदेशी प्लेयर के रूप में मुंबई इनको भी बाहर कर रही है। कोई बड़ा भारतीय प्लेयर मुंबई अभी रिलीज नहीं कर रही है, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, छोटी नीलामी में अमूमन टीमें जो होती है ना वो विदेशी प्लेयर को ही बाहर करती है, रिलीज करती है, इंडियन प्लेयर्स को इंटैक्ट रखती है। इसलिए मुंबई के भी तीनों नाम विदेशी है। तीसरा नाम है टी स्टब्स, साउथ अफ्रीका से आते हैं, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं जगा पाए थे पिछले साल भी। 20 लाख रुपए इनकी प्राइस है, मुंबई इनकी जगह भी कोई नए प्लेयर को लेगी। तो जाहिर है मुंबई के आर्चर, वैरनड्रॉप, स्टब्स अब अगले साल नीलामी का हिस्सा होंगे, अभी की खबर अनुसार ये तीनों रिलीज हो रहा है मुंबई इंडियंस के बाद। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं दिल्ली कैपिटल्स की टीम की। तो दिल्ली के हवाले से तीन बड़े नाम रिलीज होने वाले हैं जिसमें से 2 इंडियन प्लेयर है। पहला नाम है दोस्तों रॉबमैन पॉवेल का, वेस्टइंडीज से आते हैं। बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो इंटरेस्ट नहीं जगा पाए थे रॉबमैन पॉवेल भी, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी नहीं किया था, बहुत ज्यादा मौके भी नहीं मिले थे। 2.8 करोड़ रुपए इनकी वैल्यू थी। अच्छा, दिल्ली के साथ प्रॉब्लम पिछले साल काफ़ी ज़्यादा थी, इनके पास ना कप्तान था, ना इनके बड़े प्लेयर्स चल रहे थे, ना पृथ्वी शॉ चल रहे थे, ना इनकी गेंदबाजी फायर कर रही थी, ना इनके विदेशी पेसर्स चल रहे थे, लेकिन इस बार दिल्ली ने सबको रिटेन किया। दूसरा नाम है दिल्ली के हवाले से मुकेश कुमार। पिछले साल की नीलामी की फाइंड थे मुकेश कुमार, 5 करोड़ रुपये में दिल्ली ने खरीदा था। परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले साल परफॉर्मेंस आया नहीं, दैट्स व्हाई मुकेश कुमार को भी दिल्ली बाहर करने की तैयारी कर रही है। 5 करोड़ रुपये में इनको बाहर करेगी दिल्ली और कोशिश करेगी कि 2024 के लिए जो दिसंबर में नीलामी होगी उसमें मुकेश कुमार को 1, 2, या 3 करोड़ में मैक्सिमम फिर से खरीदा जाए, कम पैसे दिए जाए, पर्स बचाया जाए। तीसरा नाम है इंडियन पेसर खलील अहमद, 5.25 करोड़ रुपए। दिल्ली को यह पैसा भारी लग रहा है। खलील अहमद ने पिछले कई दिनों से, इवन 2-3 सालों से प्रदर्शन नहीं किया है, पिछले साल थोड़ा सा स्पार्क दिखा था और दिल्ली कोशिश कर रही है कि खलील अहमद को भी 5-5.5 करोड़ रुपए में बाहर करके बैलेंस पर सभी बढ़ा लिया जाए और नीलामी में अगर कम कीमत पर मिले तो खलील अहमद को फिर से खरीद लिया जाए। तो ये 3 नाम है दिल्ली बाहर कर रही है।
अभी की रिपोर्ट ये कह रही है, और दिल्ली के फैंस के लिए अच्छी बात है, लाइक जरूर करना, कि पृथ्वी शॉ रिटेन हो रहे हैं क्योंकि पृथ्वी शॉ ने डोमेस्टिक सर्किट में प्रदर्शन किया है। अब देखते हैं इस पर आगे क्या होता है। दिल्ली के लिए एक अच्छी बात और है कि कुलदीप यादव भी दिल्ली के पास है, जो बहुत चल रहे हैं रिसेंटली। तो दिल्ली के लिए, दिल्ली के फैन हो, अगर आप लाइक जरूर करना। दिल्ली ने ज्यादा बड़े प्लेयर्स नहीं किए हैं रिलीज। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स के बाद अब बात करेंगे पंजाब किंग्स की टीम की। तो मेरे टेलीग्राम पेज ने सबसे पहले पंजाब के ऊपर प्रेडिक्शन कर दी थी, वो सही हो गई है। सैम करन पहला नाम, 18.5 करोड़ रुपए, आईपीएल इतिहास के, आईपीएल नीलामी के इतिहास के सबसे महंगे प्लेयर रिलीज हो रहे हैं। पंजाब इनको आधी कीमत पे खरीदने की कोशिश करेगी। पिछले साल का आईपीएल बहुत खराब गया था सैम करन का, और इतने पैसे तो सचमुच डिजर्व नहीं करते हैं भाई, सही कर रही है। और हमारे टेलीग्राम पेज पर हमने सबसे पहले बताया था, तो टेलीग्राम पर हमें जरूर ज्वाइन कर लेना, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दी है। क्योंकि टेलीग्राम पर दोस्तों हम आईपीएल को 2023 का जब खत्म हुआ था ना पिछला आईपीएल, तब से ही हम 2024 की नीलामी कवर कर रहे हैं, और सारी खबरें सबसे पहले मिलती है। 50,000 लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। दूसरा नाम है पंजाब का शाहरुख खान, 9 करोड़ रुपए, बहुत पैसा होता है शाहरुख खान के लिए, जो कि इंडियन डोमेस्टिक बल्लेबाज ऑलराउंडर का काइंड ऑफ फिनिशर का रोल निभाते हैं। एक जमाने में बहुत बात होती थी इनकी, लेकिन अब डोमेस्टिक क्रिकेट में भी उस तरह से नहीं चल रहे हैं, दैट्स व्हाई पंजाब की टीम इनको भी रिलीज करेगी। और तीसरा नाम है ऋषि धवन का, 55 लाख रुपए इनकी प्राइस थी। उम्मीद थी कि ये सैम करन को थोड़ा सा कॉपरेट कर देंगे, खुद ही नहीं कर पाए कॉपरेट खुद को ही। ऋषि धवन 55 लाख रुपए पंजाब की टीम रिलीज कर रही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं पंजाब किंग्स की टीम के बाद, अब बात कर लेते हैं पिछले साल के चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स की। सीएसके के फैन हो, लाइक नहीं किया है तो कर देना, क्योंकि चेन्नई ने बहुत स्मार्टली कई बड़े प्लेयर्स को बाहर किया है, लेकिन अपनी इनर कोर को इंटैक्ट रखा। पहला बड़ा नाम मिचेल सैंटनर, 1.9 करोड़ रुपए में खरीदा था चेन्नई वालों ने, और रिलीज करने वाला है। इसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि होम अवे मैचों का फॉर्मेट 2024 के आईपीएल में नहीं रहेगा, तो चेन्नई में बहुत सारे मैचेस चेन्नई की जो टीम है सीएसके की टीम है वो नहीं खेलेगी। दैट्स व्हाई स्पिनर्स का रोल 2024 में सीएसके के लिए उतना प्रोमिनेंट नहीं रहेगा, और सेंटर विदेशी प्लेयर भी है, तो उनको बाहर करके किसी नए प्लेयर के ऊपर बिडिंग लगाने की कोशिश चेन्नई करेगी। दूसरा नाम है दोस्तों क्रिस जॉर्डन, 2 करोड़ रुपए में रिप्लेसमेंट के रूप में आए थे, लेकिन कुछ नहीं कर पाया, दैट्स व्हाई चेन्नई की टीम रिलीज करेगी। और तीसरा और बहुत भारी नाम है, सचमुच बहुत भारी, बेन स्टोक्स, 16.25 करोड़ रुपए इनकी वैल्यू थी भाई, और चोट के चलते आधे से ज्यादा मैचेस ये बंदा खेल नहीं पाया। तो जो कहानी जोफ्रा आर्चर की बंबई के साथ है, कुछ उसी तरह की कहानी बेन स्टोक्स की चेन्नई के साथ, और चेन्नई को ये पता लग चुका है कि विदाउट बेन स्टोक्स भी हम मैचेस जीत सकते हैं, क्योंकि पिछले साल का खिताब जीता है चेन्नई ने, बेन स्टोक्स ने मुश्किल से 3 मैचेस नहीं खेले ढंग से, एंड दैट्स व्हाई ये चेन्नई इतने पैसे अपने बैलेंस पर्स में लेने की कोशिश करेगी। मुझे नहीं लगता बेन स्टोक्स को अगली नीलामी में कोई खरीदार मिलेगा, अगर वो नीलामी में आते हैं तो, और मिलेगा भी तो इतने पैसे तो नहीं मिलने वाले। तो चेन्नई के लिए लाइक बनता है, बहुत स्मार्ट डिसीजन, और जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स उनको इंटैक्ट कर रही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के बाद, अब बात कर लेते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के। पिछले साल का आईपीएल हैदराबाद के लिए फ्लॉप रहा, लेकिन उसके बावजूद भी कई बड़े नामों को ये बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं। हैरी ब्रूक 13.25 करोड़ रुपए, वैसे तो इस समय इंग्लैंड की टीम अपना भविष्य हैरी ब्रूक में देख रही है, लेकिन हैदराबाद नहीं देख रही, क्योंकि पैसे बड़े दे दिए, 13.5 करोड़ के समथिंग ब्रूक को दिए थे, प्रदर्शन सिर्फ 1 शतक लगाया, बाकी पूरा सीजन नहीं चले, तो भाई 13 करोड़ रुपए डिजर्व ही नहीं करता है बंदा। हैदराबाद कोशिश करेगी कि इनको रिलीज कर आधी कीमत में 5 या 6 करोड़ में नीलामी में फिर से खरीदा जाए, दैट्स व्हाई ये रिलीज होंगे। दूसरा नाम है दोस्तों टी नटराजन, 4 करोड़ रुपए इनकी वैल्यू थी, प्रदर्शन आया नहीं था। हैदराबाद की टीम थोड़ा सा अपनी गेंदबाजी को हल्का करने की कोशिश करेगी, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास अच्छे अच्छे बॉलर्स हैं, मार्को जेंसन भी इनके पास है जो कि अभी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, दैट्स व्हाई अपने पेसर्स को ऑफलोड करेंगे, थोड़ा सा बाहर करेंगे, गाज जो गिरेगी वो नटराजन पर गिरेगी, 4 करोड़ की कीमत ही रिलीज होंगे। तीसरा नाम है इंग्लैंड के आदिल रशीद, भारतीय पिचों पर पिछले साल भी प्रदर्शन नहीं आया था, वर्ल्ड कप में भी हैरान नहीं किया, दैट्स व्हाई 2 करोड़ की वैल्यू थी, हैदराबाद रिलीज करेगी। मेरे हिसाब से स्मार्ट डिसीजन लिया है हैदराबाद ने अभी रिलीज करने पर, तो इनके लिए भी लाइक बनता है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के बाद। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं राजस्थान रॉयल्स की टीम की। तो राजस्थान के हवाले से भी 3 बड़े नाम बाहर होंगे। अभी यशस्वी जायसवाल के नाम पर विचार चल रहा है, लेकिन जो 3 कंफर्म नाम है वो मैं आपको बता दूं। पहला नाम है जेसन होल्डर, वेस्टइंडीज से आते हैं, 5.75 करोड़ रुपए दिए थे पिछले साल राजस्थान रॉयल्स की टीम ने। पिछले साल के आईपीएल में 2023 में प्रदर्शन नहीं आया था होल्डर का, एंड दैट्स व्हाई इन पर गाज गिरेगी, और जाहिर है राजस्थान रॉयल्स की टीम कोशिश कर रही है कि इनका जो इंडियन कोर है वो तो बहुत
अच्छा, इनके पास पड्डीकल है, इनके पास जायसवाल अगर रहते तो जायसवाल भी है, इनके पास संजू सैमसन है, अश्विन भी इनके पास है, लेकिन जो विदेशी नाम है उनको थोड़ा सा चेंज करेंगे। दूसरा नाम है रियान पराग, 3.8 करोड़ रुपए इनको मिले थे राजस्थान के हवाले से, और इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी थी आईपीएल से पहले, कहा था कि मैं 6 गेंदों में 6 छक्के लगाऊंगा, बिल्कुल नहीं चले ये 2023 के आईपीएल में, और इसीलिए राजस्थान रॉयल्स इनको बाहर करने वाली है एंड अगले साल की नीलामी में शायद या 1 या 2 करोड़ में ही बिक पाएंगे। और तीसरा नाम है इंग्लैंड के जो रूट 1 करोड़ में खरीदा था, पिछले साल की नीलामी में भी राजस्थान रॉयल्स के अलावा किसी ने बोली नहीं लगाई थी जो रूट पर, और अभी तो शायद अगली नीलामी में तो शायद कोई भी नहीं खरीदेगा क्योंकि राजस्थान के हवाले से रिपोर्ट कन्फर्म है ये रिलीज होने वाले हैं। तो ये 3 नाम है राजस्थान रॉयल्स के, अभी के लिए तो लाइक बनता है राजस्थान के लिए, अगर राजस्थान अपना पूरा जोर लगाकर यशस्वी जायसवाल को अपने पास रख लेती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कहीं जायसवाल अड़ गए, बोलने लगे मैं ट्रेड होऊंगा या रिलीज होऊंगा, देन राजस्थान के लिए अच्छी खबर नहीं होगी। तो देखते हैं जायसवाल पर आगे क्या रिपोर्ट आती है, जो भी रिपोर्ट आएगी चैनल पर भी मिल जाएगी, टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी, दोनों जगह लाइक ज्वाइन सब्सक्राइब कर रखो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं राजस्थान रॉयल्स की टीम के बाद, अब बात कर लेते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम की। लखनऊ के हवाले से भी 3 नाम कन्फर्म है, एक बहुत बड़ा नाम है, पहला नाम है कृष्णप्पा गौतम, 90 लाख में लिया था, उम्मीद थी कि थोड़ा सा ऑलराउंडर का रोल निभाकर कुछ तो देगा भाई, सामने वाला बंदा लगभग 1 करोड़ रुपए दिए, कुछ नहीं दिया, ये रिलीज होंगे। इनकी कहानी पुरानी है, ये पिछले 3-4 सालों से हर साल बिकते हैं, हर साल पैसा मिलता है, हर साल ही नहीं चलते। दूसरा नाम है आवेश खान, 10 करोड़ रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है, पिछले साल के आईपीएल में 10% भी उसका प्रदर्शन नहीं दे पाए, एंड भैया देखो आईपीएल गेम ही प्रदर्शन का होता है, बेशक आप इंडियन पेसर हैं लेकिन जब तक आप प्रदर्शन नहीं करेंगे तो कोई भाव नहीं देगा, ये हमने आईपीएल में देख लिया है। तो लखनऊ रिलीज करेगी 10 करोड़ में, वो कोशिश करेगी कि नीलामी में 3-4-5 करोड़ में फिर से खरीदने की आवेश खान को। तीसरा नाम है कृणाल पंड्या, 8.25 करोड़ रुपए, कुछ दिन पहले रिपोर्ट आई थी कि गुजरात टाइटंस इनको ट्रेड करना चाहती है, कृणाल पंड्या भी अब लखनऊ में नहीं रहना चाहते और गुजरात में जाना चाहते हैं, तो हो सकता है अगर ये ट्रेडिंग नहीं हो पाई तो रिलीज हो जाए। कृणाल पंड्या बड़ा नाम है, पिछले साल के आईपीएल में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था और कप्तानी की थी लेकिन वाइस कप्तान थे ये, तो बहुत बड़ा झटका लगेगा लखनऊ को अगर ये रिलीज हो जाते, वैसे प्रदर्शन नहीं आया था बट गुजरात बहुत इंटरेस्टेड है इनमें, अब देखते हैं इस पर आगे क्या कहानी होती है, कृणाल का क्या होगा वो भी टेलीग्राम और यूट्यूब पर आने वाली वीडियोस में बता देंगे, सब्सक्राइब करके रखिए, ज्वाइन करके रखिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, लखनऊ के फैन हो लाइक नहीं किया तो कर देना भाई लाइक का बटन नीचे, अब बात करते हैं गुजरात टाइटंस की टीम की। गुजरात के हवाले से दोस्तों 3 नाम कन्फर्म है, ऑल दो यश दयाल का नाम जो पिछले साल काफी पिट गए थे उनका नाम सबसे ऊपर लिया जा रहा है, 3.2 करोड़ रुपए में गुजरात टाइटंस की टीम ने खरीदा था, हालांकि उसके बाद डोमेस्टिक क्रिकेट में थोड़ा बहुत चले थे लेकिन गुजरात कंटिन्यू नहीं करना चाहती इनके साथ क्योंकि इनके स्थान पर दूसरे विकल्पों की तलाश गुजरात कर रही है। तो यश दयाल बड़ा नाम है, दूसरा नाम केन विलियमसन, 2 करोड़ रुपए, चोट के चलते पिछला पूरा सीजन नहीं खेल पाए, अभी सवाल यह है कि क्या न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड इजाजत देगा विलियमसन को अगला आईपीएल खेलने की, ये सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि बहुत ज्यादा इंजरी प्रोन प्लेयर्स बन चुके हैं विलियमसन। तीसरा नाम है श्रीलंका के दशुनछन का, 50 लाख रुपए में बीच में एज अ रिप्लेसमेंट आए थे, रिलीज होने वाले हैं। तो गुजरात ने भी स्मार्टली अपने पूरी कोर को इंटैक्ट कर रखा है, जहां पर जो पिछले साल नए प्लेयर जैसे साई सुदर्शन इनको मिले थे उनको भी रिटेन कर रखा है और जो प्लेयर्स जिनकी बहुत कम इन्वॉल्वमेंट था उनको सबको रिलीज किया है, एंड दैट्स व्हाई गुजरात टाइटंस के लिए भी लाइक बनता है। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम की, आरसीबी के लिए लाइक बनता है, आरसीबी ने पिछले साल 2-3 डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा किया लेकिन मिडिल ऑर्डर था ना वो मिडिल मडल बन गया था, लेकिन अब शायद उसको चेंज करने की कोशिश है। 3 बड़े नामों की बात करूं, दिनेश कार्तिक पहला बड़ा नाम, 5.5 करोड़ रुपए, पिछले साल के आईपीएल में परफॉर्मेंस नहीं करने का सबक जो है वो पनिशमेंट मिलेगी इनको क्योंकि रिलीज हो सकते हैं रिपोर्टेडली, दिनेश कार्तिक को आरसीबी की टीम रिलीज कर कम कीमत में वापस खरीदने की कोशिश करेगी क्योंकि 5.5 करोड़ रुपए सचमुच जिस तरह का प्रदर्शन पिछले साल था काफी ज्यादा वैल्यू थी। दूसरा नाम आरसीबी के हवाले से अनुज रावत, सेम मिडिल ऑर्डर में उतरते हैं, 3.4 करोड़ रुपए दिए थे आरसीबी ने, प्रदर्शन भैया 30 लाख के बराबर भी अनुज रावत नहीं कर पाए थे, विकेट कीपिंग का ऑप्शन है तो आरसीबी सोचेगी क्योंकि जाहिर है 3.4 करोड़ रुपए कोई भी टीम इन पर भाव नहीं लगाएगी और नीलामी में सस्ते दाम पर मिल सकते हैं रावत, तो आरसीबी इसलिए उनको रिलीज कर रही है। और तीसरा नाम है शहबाज अहमद, पिछले साल के आईपीएल में सिर्फ 1 विकेट निकाला है, थोड़े से ऑलराउंडर का रोल निभाते हैं, 2.4 करोड़ रुपए इनकी वैल्यू थी तो जाहिर
जाहिर है जो परफॉर्मेंस इनका डोमेस्टिक क्रिकेटर आईपीएल से नहीं आया उसलिए ये भी रिलीज हो रहा है। हालांकि विराट कोहली के बड़े पसंदीदा प्लेयर है तो आरसीबी ने भी स्मार्टली अपने गेंदबाजों को इंटैक्ट करके रखा है, अपने जो हैवी वेट बल्लेबाजी इनकी उनको रिटेन करके रखा है और मिडिल ऑर्डर को हटाकर एक नया मिडिल ऑर्डर लाने की तैयारी आरसीबी कर रही है। कितने सफल हो पाएंगे नीलामी में देखेंगे, लाइक जरूर बनता है इनके लिए भी। तो ये थी 10 टीमें और 10 टीमों के टोटल 30 प्लेयर्स के नाम जो कि होने वाले हैं रिलीज। अभी हमारे पास सबसे पहले ये लिस्ट लगी है दोस्तों, अभी भी रिटेन और रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट आने में लगभग 20 दिन का टाइम है। इसमें से अगर कुछ बदलाव भी हुआ ना तो ले देकर भाई 5-10% ही बदलाव होगा। सबसे पहले लिस्ट लाए हैं, लाइक और शेयर तो बनता है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट करके बेल आइकन दबा दो, टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।